यह है चैप्टर 7 पॉवर्टी 11th क्लास इकोनॉमिक्स का। पॉवर्टी मींस निर्धनता। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि पॉवर्टी यानी निर्धनता क्या होती है और निर्धन कौन होते हैं, पुअर कौन होते हैं। तो निर्धनता वह सिचुएशन है जिसमें एक पर्सन अनेबल होता है अपनी मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने में, जैसे कि फूड, क्लोथ, होम, एजुकेशन और हेल्थ। इन सबको वो बेसिक जो न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताएं हैं इनको पूरा करने में असमर्थ रहता है। और पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी हम एस्टिमेट करते हैं पॉवर्टी लाइन से, जिसे निर्धनों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, पॉवर्टी लाइन से। पॉवर्टी लाइन जो है एक लिमिट है, एक इनकम की लिमिट है। फॉर एग्जांपल अगर हम 500 पॉवर्टी लाइन सेट कर दें तो जो 500 रुपीज़ से कम इनकम कमा रहे होंगे वो क्या कहलाएंगे, पुअर कहलाएंगे। तो पॉवर्टी लाइन इज़ ए लिमिट पॉइंट और कट ऑफ पॉइंट विच हेल्प टू नो और आइडेंटिफाई पुअर। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टू टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। एक तो होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरी होती है रिलेटिव पॉवर्टी। इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट को निरपेक्ष और रिलेटिव पॉवर्टी को सापेक्ष निर्धनता। एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो होती है वो मेजर की जाती है पॉवर्टी लाइन से। फॉर एग्जांपल अगर हमने 500 सेट कर दी तो 500 के नीचे जो होंगे वो पुअर कहलाएंगे। इसी तरह जो 2011 में 816 रुपये रूरल एरिया में और 1000 रुपीज़ अर्बन यानी शहरी एरिया में पॉवर्टी लाइन फिक्स की गई थी, तो इससे नीचे जो कमा रहे थे, तो 2011-12 में पॉवर्टी जो आई थी 21.9% लगभग जो है पुअर थे हमारे देश में। और ये 21% जो थे लोग, जितने लोग थे पूरे दुनिया के 50% पुअर थे। पूरे दुनिया में जो परसेंटेज है पुअर है उसका 50% हमारे देश में थे। इसके बाद है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी जब हम कंपैरिजन में निकालते हैं पॉवर्टी, तो जैसे हमने एब्सोल्यूट पॉवर्टी में देखा कि हम कंपैरिजन में पॉवर्टी नहीं निकालते, लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी में हम कंपैरिजन में पॉवर्टी निकालते हैं। अगर कोई 1 करोड़ रुपए कमा रहा है और दूसरा 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो जो 1 लाख रुपए कमा रहा है 1 करोड़ रुपए वाले की तुलना में वो पुअर कहलाएगा। तो रिलेटिव पॉवर्टी में हम कोई फिक्स इनकम नहीं होती, इसमें कंपैरिजन किया जाता है और इसमें हो सकता है कि वो अपनी बेसिक मिनिमम नीड को पूरा कर रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए और बी जो है वो 40 रुपये कमा रहे हैं और बी सी और डी 300 रुपये कमा रहे हैं, तो ए और बी जो है सी और डी की तुलना में पुअर हैं कंपैरेटिवली। तो ये इनइक्वालिटी शो करता है रिलेटिव पॉवर्टी। इसके बाद है जो पॉवर्टी हम निकालते हैं वो कंजम्पशन मेथड से निकालते हैं हमारे इंडिया में, कि कैलरी कितनी कंज्यूम हो रही है। मान लो रूरल एरिया में जो फिक्स की है 2400 कैलोरीज और अर्बन एरिया शहरी एरिया में 2100 कैलोरी। अगर आप शहरी एरिया में रह रहे हैं और 2100 कैलोरी आप कंज्यूम कर पा रहे हैं डेली, तो इसका मतलब आप पुअर नहीं हैं। और पॉवर्टी परसेंटेज जो है हमारी 2011-12 मतलब जो प्लानिंग पीरियड में वो डिक्रीज हुई है। 1960-61 में जो पॉवर्टी थी वो 34% थी, जो 2011-12 में कितनी हो गई, 21%। तो पॉवर्टी तो डिक्रीज़ हो गई, लेकिन 1960-61 में जो पुअर थे वो थे 17 करोड़ और 2011-12 में कितना हो गया, 26 करोड़। यानी पुअर जो हैं उनकी संख्या तो बढ़ गई लेकिन परसेंटेज कम हुई है। पॉवर्टी जो है पहले 34% पुअर थे हमारे देश में 1960-61 में, 2011-12 में 21%, लेकिन जो नंबर है पुअर के वो पहले 17 करोड़ थे 1960-61 में, 2011-12 में 26 करोड़। यानी पुअर जो है उनकी संख्या बढ़ गई। इसके बाद बात करते हैं कि रूरल पुअर होते कौन हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो पुअर होते हैं वो होते हैं लैंडलेस लेबरर, जिनके पास ज़मीन नहीं होती, वो दूसरों के खेतों पर काम करते हैं, या फिर आर्टिसन कारीगर जो इनके पास कोई पूंजी नहीं है वो किसी और के पास कारीगर के रूप में काम कर रहे हैं। अर्बन पुअर कौन होते हैं, माइग्रेंट जो होते हैं, जो गांव से ग्रामीण एरिया से शहरी क्षेत्र में काम की तलाश में आते हैं, या फिर इरेगुलर वर्कर जो होते हैं जिनके पास अनियमित काम होता है, जिनके पास नियमित कोई काम नहीं होता। और या फिर इसमें शहरी बेरोजगार भी होते हैं, वो शिक्षित बेरोजगार भी इंक्लूड होते हैं अर्बन पुअर में। इसके बाद आता है रूरल पॉवर्टी। रूरल पॉवर्टी जो है 25% तक आ गई है, 2011-12 में जो थी रूरल पॉवर्टी 25% थी और अर्बन पॉवर्टी 13%। इसका जो एवरेज है वो हमने बताया भी 21% थी जो टोटल पॉवर्टी 2011-12 में। तो रूरल पॉवर्टी 25% है, अर्बन पॉवर्टी 13% है। इसे पता लग रहा है कि रूरल में ज़्यादा है पॉवर्टी, अर्बन मतलब शहरों में पॉवर्टी कम है। हालांकि जो अर्बन पॉवर्टी होती है वो किसका रिजल्ट है, अर्बन रूरल पॉवर्टी का, क्योंकि लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में काम की तलाश में आते हैं। तो जो लोग माइग्रेट करके आते हैं जो माइग्रेंट होते हैं उनके कारण भी अर्बन शहरी एरिया में भी शहरी क्षेत्रों में पॉवर्टी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जब वो आते हैं यहाँ पर उन्हें काम नहीं मिल पाता तो वो बेरोज़गार हो जाते हैं, निर्धन हो जाते हैं।
यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि क्या प्राइमरी एजुकेशन को भी बेसिक मिनिमम नीड में इंक्लूड करना चाहिए। अगर ऐसा कर देते हैं हम तो जाहिर सी बात है कि वो जो एक्सपेंडिचर है बेसिक मिनिमम नीड का जो एक्सपेंडिचर है, इनकम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। जब इनकम लेवल इंक्रीज हो जाएगा पॉवर्टी लाइन इंक्रीज हो जाएगी, तो उसमें ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन इंक्रीज हो जाएगी तो निर्धनों की संख्या भी इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद है रीजंस ऑफ पॉवर्टी, क्या कारण है निर्धनता के। तो सबसे पहला कारण तो यह है कि इनकम, नेशनल इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम हमारे देश में कम है। अकॉर्डिंग टू यूएन, यूनाइटेड नेशन जो है उसने कहा है कि हमारी जो इंडिया की नेशनल इनकम पर कैपिटा है वो पुअर कंट्रीज की कैटेगरी में आती है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर हमारी ग्रोथ रेट भी ज़्यादा हो जाती है और इनकम हमारी ज़्यादा हो जाती है लेकिन पॉपुलेशन तो ज़्यादा है, इस कारण हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम हो जाती है। और जब प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है तो बचत कम हो जाती है, निवेश कम हो जाता है, जिसके कारण जो है रोज़गार कम हो जाते हैं, जिसके कारण जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, आपको जो रिसोर्सेज मिलेंगे, मान लीजिए एक घर में एक परिवार के 5-6 बच्चे हैं तो वो सबको एजुकेशन, हेल्थ, सब फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर पाते। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है लो ग्रोथ रेट, हमारे जो देश की ग्रोथ रेट है वो भी कम है। जो पूरे प्लानिंग पीरियड में, जैसे कि जब देश से देश आज़ाद हुआ था अब तक, 5% की ग्रोथ रेट रही है और पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कितनी रही है? 2%, यानी 2% से पॉपुलेशन हर साल बढ़ रही है। और पर कैपिटा इनकम 3% की है जो पर कैपिटा ग्रोथ रेट रही है। तो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट जो बहुत कम है 3%, ये ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये भी एक कारण है निर्धनता का, तो ये मेन रीज़न कहा जाता है पॉवर्टी का। इसके बाद है पॉपुलेशन, जैसे अभी बात करी थी कि डेथ रेट में हमारी डिक्रीज हो गया है आज़ादी के बाद से, और बर्थ रेट जो स्टेबल बनी हुई है, स्थिर बनी हुई है। 1991 में 84 करोड़ थे, 2011 में 121 करोड़ लोग हो गए हैं। 1991 से 2001 तक 2.1% की ग्रोथ रेट थी पॉपुलेशन की। तो इससे हमारा जो पॉपुलेशन है इंक्रीज हो रहा है। 1991 में 84 करोड़ थे और 2011 में 121 करोड़ हो गए। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से भी हमारे देश में पॉवर्टी है। इसके बाद है फोर्थ पॉइंट, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हमारे देश में, जब इन्फ्लेशन होता है तो रियल इनकम लोगों की कम हो जाती है, क्योंकि जब 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये की हो जाएगी, 300 की हो जाएगी, तो हमारी इनकम जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। और इसके कारण जो लोग पॉवर्टी में नहीं भी थे वो भी पॉवर्टी में आ जाएंगे, क्योंकि उनकी इनकम इतनी इनफ नहीं है कि वह गुड्स एंड सर्विसेज, जो बेसिक नीड है, वो खरीद पाए। इसके बाद है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये भी एक पॉवर्टी का रीज़न है हमारे देश में। हमारे देश में एग्रीकल्चर में हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग छिपी बेरोजगारी में काम कर रहे हैं। खेत पर 2 लोगों की आवश्यकता है और 5 लोग काम कर रहे हैं, तो जो बाकी के 3 लोग हैं वो बेरोज़गार हैं, वो छिपी बेरोजगारी में लगे हुए हैं। इसी तरह शिक्षित बेरोजगार है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। और 2011-12 में एक आंकड़े के अनुसार हमारे देश में 4 से 5 करोड़ जो थे अनएम्प्लॉयड थे। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है एक पॉवर्टी का रीज़न है, निर्धनता का कारण है। इसके बाद है लैक ऑफ कैपिटल। हमारे देश में पूंजी की कमी है, पूंजी के स्टॉक की कमी है, और पूंजी का जो फॉर्मेशन है, जो निर्माण है, उसमें भी कमी है। और जाहिर सी बात है, अगर किसी देश में पूंजी का निर्माण यानी कैपिटल फॉर्मेशन यानी इन्वेस्टमेंट कम होगा तो प्रोडक्टिविटी लो होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, आउटपुट कम होगा, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार कम होगा, और रोज़गार कम होगा तो बेरोज़गारी ज़्यादा होगी। इसके बाद है लैक ऑफ एबल एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स। हमारे देश में उद्यमियों, जो कुशल उद्यमी, उनकी कमी है। जब कुशल उद्यमी कम होंगे तो प्रोडक्शन एक्टिविटी डाउन होगी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी डाउन होगी और एम्प्लॉयमेंट कम होगा, इनकम कम होगी, और देश में विकास नहीं होगा, जिसके कारण पॉवर्टी होगी ही होगी। इसके बाद है कन्वेंशनल थिंकिंग। हमारे देश में सुपरस्टिशन है, फैमिली बिजनेस की अप्रोच है, फैमिली बिजनेस करते हैं, सेम ओल्ड टेक्निक है, कोई मशीनीकरण नहीं है, एग्रीकल्चर में जाते हैं तो मैकेनाइजेशन नहीं है, ओल्ड टेक्निक से प्रोडक्शन किया जाता है, जिसके कारण आउटपुट कम होता है, गुड्स एंड सर्विसेज कम होती है, इन्फ्लेशन हो जाता है, और आउटपुट इनकम कम होने से एम्प्लॉयमेंट कम होता है। तो ये सब रीजंस हैं, कन्वेंशनल थिंकिंग इज ऑल्सो ए रीज़न फॉर पॉवर्टी। इसके बाद है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे देश में एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, हमारे देश में पेट्रोल वगैरह ये सब महंगा है, इसकी कमी है। ट्रांसपोर्टेशन जो है अपर्याप्त है, इनफ नहीं है। सोशल एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, ये पर्याप्त नहीं है। डॉक्टर्स की कमी है, एजुकेशन लेवल जो है वो भी सही नहीं है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है डिग्री ओरिएंटेड है। तो ये भी हमारे जो है पॉवर्टी का एक रीज़न है। इसके बाद है क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं पॉवर्टी को कॉम्बेट करने के लिए या इसका सामना करने के लिए। GDP में इंक्रीज़ करना चाहिए अगर पॉवर्टी को हटाना है तो, बेसिक मेजर है ये। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी इससे, क्योंकि जिस देश में GDP इंक्रीज़ होगी वहाँ देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी तो ग्रोथ बढ़ेगी, और ग्रोथ मोर इंक्लूसिव हो जाएगी। ग्रोथ मोर इंक्लूसिव जब होती है, जब
लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अगर हमारी ग्रोथ सिर्फ टेक्नोलॉजी के कारण आ रही है, यानी हमारी ग्रोथ तो हो रही है लेकिन वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से आ रही है, हमने मशीन लगा दी, एक मशीन 100 लोगों का काम कर रही है, तो वो ग्रोथ पॉवर्टी को हटाने में फ़ायदा नहीं देगी क्योंकि उसमें मशीनें आ गई। तो इसलिए हमें जॉबलेस ग्रोथ को अवॉइड करना चाहिए और किसे अप्रोच को संभालना लेना चाहिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को, जिसमें लेबर ज़्यादा लगे। अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यानी कैपिटल यानी मशीन अगर हम ज़्यादा ले लेंगे तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक तो वो होगी नहीं, जिसमें उसे कहा जाएगा जॉबलेस ग्रोथ, जो कि हमारे देश में चल रही थी और थोड़ा थोड़ा अभी भी चल रही है। इसके बाद है इम्प्रूव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हमारे देश में जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का वो बहुत अनइक्वल है, किसी के पास तो बहुत पैसा है, किसी के पास बहुत कम है, तो इसको भी इम्प्रूव करना चाहिए। और इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं, जो अमीर है उन पर टैक्स लगा सकते हैं और गरीबों को सब्सिडीज दे सकते हैं, जैसे सिलेंडर पर सब्सिडी दे दी या किसी और चीज़ पर सब्सिडी दे दी, राशन पर सब्सिडी दे दी, जो जो उनके ज़रूरत के सामान है बेसिक मिनिमम नीड पर। तो प्रोग्रेसिव टैक्स जो होता है जो बढ़ता रहता है टैक्स इनकम के साथ साथ, जैसे कि हमारा इनकम टैक्स है और प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह जो टैक्स लगा सकते हैं, हम सब्सिडी दे सकते हैं, PDS सिस्टम जो होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके थ्रू हम गुड्स एंड सर्विसेज पुअर लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका जो PDS सिस्टम है इसका एफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है, मैनेजमेंट इसमें सभी होना चाहिए, वरना क्या होगा, जो धनी लोग होंगे इसका फ़ायदा उठा लेंगे। इसके अलावा लीगल मेजर्स भी लिए जा सकते हैं। लीगल मेजर्स में क्या होता है, मिनिमम वेज एक्ट होता है, मिनिमम वेज जो एक मिनिमम वेज को निर्धारित कर दिया जाता है। कोई भी पहले क्या होता था, कोई भी लेबर को लगाता था तो कम से कम दाम में भी काम करा लेता था, कम से कम वेज में, तो वह नहीं होना चाहिए। प्राइस फ्लोर होना चाहिए, मिनिमम प्राइस, मतलब फार्मर्स को उसकी खेती से उसके जो फसल से पहले ही एक प्राइस डिसाइड कर देती है गवर्नमेंट, उसे बोलते हैं फ्लोर प्राइस, यानी मिनिमम प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो प्राइस तो फार्मर को मिलेगा ही मिलेगा किसान को, अगर उसका उत्पादन जो है मार्केट में नहीं भी बिका तो। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन एक मीजर है जिसको लिया जा रहा है लेकिन उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करना चाहिए, जिससे स्किल इंक्रीज़ हो। स्किल इंक्रीज़ होगी तो हम जानते हैं एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, काम करने की जो उत्पादकता है वो इंक्रीज़ होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि आप अगर मशीन चलाना जानते हैं, एक स्किल्ड वर्कर है जो मशीन चलाना जानता है, कंप्यूटर ऑपरेट करना जानता है, वो उत्पादन ज़्यादा करेगा बजाय उसके जो इलिटरेट है, जो निरक्षर है। इसके बाद है पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए। हमारी ग्रोथ मीनिंगलेस क्यों हो गई, हमारी ग्रोथ अच्छी थी लेकिन वो मीनिंगलेस क्यों हो गई, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है जिसके कारण हमारी पर कैपिटा इंक्रीज़ नहीं हो सकी। और हम जानते हैं कि अगर ग्रोथ अच्छी है और पर कैपिटा इंक्रीज़ हो रही है तो इससे सेविंग इंक्रीज़ होगी, उससे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी और पॉवर्टी कम हो जाएगी। और फैमिली साइज़ और पॉवर्टी में एक कोरिलेशन है, अगर फैमिली साइज़ बड़ा है तो पॉवर्टी ज़्यादा होगी और फैमिली साइज़ छोटा है तो पॉवर्टी कम होगी, बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाते हैं, अगर फैमिली साइज़ कम है तो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है रिसोर्सेज की और इसके वाइस वर्सा। इसके बाद है मेजर्स हमें लेने चाहिए क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पुअर एनहेंसिंग करने के, बढ़ाने के, यानी जो पुअर हैं उनको हमें जो नेसेसरी गुड्स हैं वो प्रोवाइड करने चाहिए, और मैकेनाइज्ड एंड मोर मॉडर्नाइज्ड जो है एग्रीकल्चर में मैकेनाइज्ड फार्मिंग स्टार्ट करनी चाहिए, मशीनीकरण करना चाहिए, वहाँ मशीनों ट्रैक्टर वगैरह जो भी है, और सिंचाई की बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड करनी चाहिए और फाइनेंशियल हेल्प देनी चाहिए स्मॉल फार्मर जो सीमांत किसान हैं उन्हें, और जो गरीब निर्धन लोग हैं जिनके पास पूंजी नहीं है उन्हें क्रेडिट उधार दिया जाना चाहिए, और भूमि देनी चाहिए श्रमिक, भूमिहीन श्रमिकों को यानी लैंडलेस लेबरर को। ऐसा क्यों, क्योंकि जो भूमिहीन श्रमिक है उनके पास लैंड तो है नहीं, अगर हम उन्हें लैंड दे देंगे तो उत्पादन बढ़ेगा तो देश में वर्षों की सब्जियों की इनकी मात्रा बढ़ जाएगी, तो सब्जियों की और अनाज वगैरह की, तो इसलिए ये मेजर्स लिए जा सकते हैं। इसके अलावा है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन होता है तो फूड ग्रेन्स जो फूड इन्फ्लेशन कैसे होता है, क्योंकि फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो कम है, तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, और PDS सिस्टम जो होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके थ्रू पुअर्स को ये फूड ग्रेन्स और जो नेसेसरी गुड्स हैं वो प्रोवाइड करने चाहिए। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो जमाखोरी है जिसे बोलते हैं होल्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग है उसे कम करना चाहिए, और इन्फ्लेशन को कम करने के लिए और भी उपाय जैसे कि जो जिनके पास ब्लैक मनी है उसे कम करना चाहिए, क्योंकि जो ब्लैक मनी होती है उसके कारण देश में महंगाई बढ़ जाती है। इसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होता है उसे प्रमोट करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इसे इंक्रीज़ करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को, स्किल दी जानी चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा हेल्प की जानी चाहिए,
तो इससे क्या होगा, स्वरोजगार उत्पन्न होगा अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करेंगे। इसके बाद है एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसको हमें ठीक करना चाहिए, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, वोकेशनल यानी व्यावसायिक शिक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए, स्किल बेस्ड एजुकेशन यानी कौशल बेस्ड तकनीक जो शिक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए, तकनीकी शिक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए, ना कि सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड शिक्षा जो कि चल रही थी, उसके शिकार बहुत लोग हैं। इसके बाद है चेंज टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक भी हमें अपनानी चाहिए बजाय कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के, क्योंकि हमारे देश में पीपल लोग ज़्यादा हैं, लेबर सप्लाई ज़्यादा है, और जिस देश में लेबर सप्लाई ज़्यादा हो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि उसमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ किया जाना चाहिए। इसके बाद है गवर्नमेंट प्रोविजन ऑफ मिनिमम नीड्स, गवर्नमेंट को ये प्रोविजन करना चाहिए कि हर व्यक्ति को बेसिक मिनिमम नीड मिलनी चाहिए, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो कुछ गवर्नमेंट भी ये उपाय अपना सकती है। इसके बाद है क्या क्या प्रोग्राम हैं जो गवर्नमेंट ने अपनाए हैं पॉवर्टी एलिवेशन के लिए या इरेडिकेशन के लिए, यानी निर्धनता उन्मूलन के लिए क्या क्या कार्यक्रम सरकार ने स्टार्ट किए हैं। पहला है स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना जो 1999 में शुरू हुई थी, जिसमें IRDP और TRISEM को इंक्लूड कर लिया गया था। IRDP मतलब है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और TRISEM मतलब ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसका मकसद था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना और स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्रीज करना, इस्टेब्लिश करना थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, कुछ लोगों का ग्रुप होता है एक दूसरे को हेल्प करने के लिए बना दिया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो इनके थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमों को बढ़ावा देना और सेल्फ एम्प्लॉयड स्वरोजगार को बढ़ावा देना, जिसमें इन्हें लोन, थोड़ा सा लोन दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी काम करने की। तो बाद में ये जो है 2011-12 में नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन में इंक्लूड कर लिया गया, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। अब इसके बाद आते हैं नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, जो कि लिवलीहुड मिशन के नाम से जाना जाता है। 2012-13 में इसे 150 डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया। इसके बाद 2014-15 में प्लानिंग थी 150 डिस्ट्रिक्ट में लागू करने की, 2016-17 में होल कंट्री में लागू करने की इसकी योजना थी, जिससे 90 लाख जो है टारगेट हो सकते हैं। इसके बाद है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो 2001 में स्टार्ट हुई थी। इसका रोजगार आश्वासन योजना इसमें मिला ली गई, और इसका जो मकसद था, इसका जो ऑब्जेक्टिव था, वो था एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इंप्रूव करना और 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट जो प्रोवाइड करना इसमें जो है आश्वासन दिया गया था इसका। और इसका जो एक्सपेंडिचर है वो बियर करेंगे 87.5 में सेंटर करेगा और 12.5 स्टेट करेगा। इसके बाद है प्रधानमंत्री ग्रामीण ग्रामोदय योजना जो 2001 में स्टार्ट हुई थी। इसका मकसद था क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना, प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ इंप्रूव करना, हाउसेस, रोड, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब इंप्रूव करना इसका मकसद था प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का। इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी इंक्लूड कर ली, और 2007 तक इसका जो मकसद था 500 से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले विलेजेस हैं उनमें सड़कें तैयार करना था। इसके बाद है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो 1997 में स्टार्ट हुई थी, जिसमें नेहरू रोजगार योजना और एक PMIUPEP एक प्रोग्राम है, एक योजना है, उसे इंक्लूड कर लिया गया इसमें। और इसका मकसद था जो शिक्षित बेरोजगार हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है शहर में, उन्हें जो है पैसे, इन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्हें ट्रेन करना और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्हें ट्रेनिंग देना। और इसमें एक तो था अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था, दूसरा था अर्बन वेजिस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, और इसका जो खर्चा है वो 75 और 25 में सेंट्रल स्टेट आपस में बांटेंगे। इसके बाद है प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो था, ये भी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के लिए था, जिसमें 1 लाख रुपये बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के मिलेंगे और 2 लाख रुपये अदर एक्टिविटीज़ के लिए लोन मिल सकता है। इसके बाद था 20 पॉइंट्स प्रोग्राम जो था 1982 में स्टार्ट किया गया था। इसमें 20 पॉइंट्स थे जिन्हें बढ़ाया जाना था, जैसे कि इरीगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाना था, दालों के प्रोडक्शन को बढ़ाना था, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को बनना था, अपर लिमिट ऑफ लैंड यानी लैंड सीलिंग थी, किसी के पास अगर भूमि ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसकी भूमि छीन ली जाएगी और गरीबों को में बांट दी जाएगी, मिनिमम वेज को निर्धारित करना, बाउंडेड लेबर को ख़त्म करना जो बाउंडेड बधुआ मजदूर होते थे, डेवलप और SC ST के लिए प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करना, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी, हाउस की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी इंक्रीज़ करना, फॉरेस्ट डेवलपमेंट करना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो खुलते हैं यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं उन्हें खोलना, फैमिली प्लानिंग के बारे में अवेयरनेस करना, प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है उसे इम्प्रूव करना, ब्लैक मनी को कम करना, और
पब्लिक सेक्टर जो होते हैं एंटरप्राइजेस उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करना, ये 20 पॉइंट प्रोग्राम था 1982 में शुरू हुआ था। इसके बाद है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो 100 डेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी देता है रूरल एरिया में, इससे काफ़ी लोग अब तक 3 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जो है इससे लगभग काफ़ी फ़ायदा ले चुके हैं। इसके बाद है क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ प्रोग्राम, यानी मूल्यांकन करना जो प्रोग्राम अब तक चालू किए जा चुके हैं, मानते हैं कि पॉवर्टी में रिडक्शन हुआ है, 1973-74 में जो 55% थी पॉवर्टी 2011-12 में 21% हो चुकी है, और मिनिमम वेज रेट भी फिक्स किए जा चुके हैं, बढ़ गए हैं पहले से, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी थी। एक तो इनएफिशिएंट सिस्टम एंड ऑफिशियल्स, जो अधिकारी थे उनका अकुशल प्रबंधन, अकुशल उनका रवैया, उनका बिहेवियर, जिसके कारण जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वो सही नहीं हो सका, और ये ज़्यादातर सपोर्ट किया रिच को, अमीरों को इन्होंने सपोर्ट किया निर्धनों की जगह, निर्धनों को इसका अच्छा असली बेनिफिट, रियल बेनिफिट नहीं मिल सका। इसके अलावा रिमोट एरिया जो थे उनमें हेल्प नहीं पहुँचाई जा सकी, और क्योंकि वहाँ पर डिफ़िकल्ट था वहाँ तक पहुँचना, इसलिए रिमोट एरिया जो होते हैं, दूर के गांव होते हैं, उनमें असली हेल्प, रियल हेल्प नहीं पहुँचाई जा सकी। इसके बाद है लो क्रेडिट मीट रिक्वायरमेंट, जो है क्रेडिट जो है वो नहीं पूरी तरह दिया गया गरीबों को, तो इसका एक ये भी इसका एक कमी है। इसके अलावा रिच एंड स्ट्रॉन्ग पीपल जो है उन्होंने ज़्यादा बेनिफिट इसका उठाया और लीकेजेस हुई, क्योंकि जो प्रोग्राम होते थे ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचते थे उसमें रिच पीपल ने इसको अक्वायर कर लिया और इसमें लीकेजेस करनी चालू कर दी, इससे जो उन्होंने बेनिफिट लेना चालू कर दिया। तो इससे हमें पता लगता है कि क्या अब ज़रूरी है, एक तो ज़रूरी है कि स्टेप्स क्या लिए जाने चाहिए निर्धनता को कम करने के लिए, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के लिए, एक तो है कि स्ट्रॉन्ग पॉवर्टी प्रोग्राम स्टार्ट करने चाहिए और जो कि रीच रियल पुअर तक पहुंच सकें, और ग्रोथ जो है इंक्लूसिव होनी चाहिए ताकि इनइक्वालिटी डिक्रीज हो चुके, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए हमारे देश में जिससे ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, और क्रेडिट दिया जाए पुअर्स को, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों के लिए जो है फिक्स कर देना चाहिए सरकार को, और मैक्सिमम प्राइस जो है जैसे कि जो चीज़ें ज़रूरत की हैं उनके प्राइस ज़रूरत से ज़्यादा ना बढ़ें, उसके लिए मैक्सिमम प्राइस यानी प्राइस सीलिंग होनी चाहिए ताकि जमाखोरी यानी होल्डिंग कम हो सके और ब्लैक मार्केटिंग भी कम हो सके। इसके बाद है कुछ एक्स्ट्रा बातें इसमें कि पॉवर्टी विद अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी 1536 कंपनीज ऐसी थी जिसमें जो 75 फैमिलीज़ की थी, और ये हमारे देश में पॉवर्टी का इनइक्वलिटी है कि 1536 कंपनी सिर्फ 75 परिवारों की थी हमारे देश में। कैटेगरीज ऑफ पुअर होती है, क्रॉनिक पुअर होते हैं जो हमेशा पुअर रहते हैं, ऑलवेज पुअर, जो लैंडलेस लेबरर होते हैं और कैजुअल लेबरर्स होते हैं। शॉर्ट टाइम पुअर होते हैं जो कभी कभी गरीब होते हैं, कभी गरीब अमीर होते हैं, इन्हें सीजनल वर्कर और कैजुअल पुअर भी कहा जाता है। नेवर पुअर जो कभी पुअर नहीं होता। इसके बाद है इंटर स्टेट कंपेरिजन, हम जानते हैं बिहार, यूपी, एमपी, झारखंड, मणिपुर, उड़ीसा, इनमें निर्धनता ज़्यादा है बजाय कि पंजाब, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद है ये कहते हैं कि 3 अप्रोचेस हम ले सकते हैं ग्रोथ ही निर्धनता को कम करने के लिए, ग्रोथ स्पिल ओवर इफेक्ट पड़ता है उसका, और पॉवर्टी प्रोग्राम हम ले सकते हैं, और मिनिमम नीड फुलफिलमेंट हम ले सकते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू। तो ये था हमारा चैप्टर 7 पॉवर्टी का।